अखिलेश यादव से बोलिए आप कि उनको निमंत्रण मिल गया है तो चले आए, भगवान का पूजन अर्चन कर ले, उनका पाप मिट जाएगा। यदि मिल गया तो उनका पाप मिट जाएगा, नहीं इनका पाप मिटने वाला है नहीं है, अखिलेश यादव का कभी मिटेगा नहीं। राम अवतार है, अपना ये स्थान पे हिंदू हो तो बिना निमंत्रण के पहुंचो, तब हिंदू मानूंगा। निमंत्रण मिल गया है, वो कह रहे धर्म को, हम धर्म का काम नहीं करते हैं, हम अगला पिछड़ा का काम। भगवान को दरबार में निमंत्रण नहीं चाहिए, बस आप निमंत्रण खोजते हैं। निमंत्रण गया हुआ क्या वो आ सकते हैं? नहीं आएंगे, क्योंकि वो टोपी पहनने वाले हैं, और जब टोपी लगाने वाले आदमी को अगर आप अयोध्या में बुलाएंगे वो नहीं आए, क्योंकि वो सत्ता यहाँ अयोध्या में आने के बाद भी वो कभी भी मंदिर में नहीं गए हैं। और हमारे मोदी जी के बारे में बोलते हैं, साधु संतों की नगरी अयोध्या अब सजकर तैयार है, और इंतजार उस तारीख का है जिस तारीख में अयोध्या नगरी में टेंट से उठकर भगवान राम लला अपने महल में प्रवेश करेंगे, यानी कि ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक तारीख होगी 22 जनवरी। महाराज जी क्या कहेंगे, बड़ी तैयारियां हैं अब की बार तो अयोध्या नगरी में, बहुत भव्य विशाल बहुत दिव्य उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। देखिए 500 वर्षों के जो लगातार सतत प्रयास के बाद, 77 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद हम लोग 77वां लड़ाई में विजय प्राप्त किए, और इसमें 5 लाख राम भक्तों ने अपने प्राण की आहुतियाँ दी है। अयोध्या वह भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये अनादिपुरी है। अयोध्या च परब्रह्म सरयुग सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्यः। श्री पार्वती जी से भगवान शिव कहते हैं कि अयोध्या जो है साक्षात परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है, और इस परमात्मा के स्वरूप जो अयोध्या धाम है, इसमें जो राष्ट्र के सर्वोच्च मंदिर बन रहे हैं और विश्व के अद्वितीय मंदिर बन रहे हैं, पूरे विश्व के लोगों का जो है निगाह अयोध्या पे टिकी हुई है। अयोध्या को जिस प्रकार से माननीय सुश्री मुख्यमंत्री ने जो सजाया सवारा, वह अलौकिक है, अपरिवर्तनीय है। अयोध्या नवनवायमान दुल्हन जैसी सज गई है। अयोध्या वासियों के अंदर नहीं, पूरे भारत के लोग जितने भी सनातनी धर्मावलंबी हैं सभी की एक ही उत्कंठा है कि 500 वर्षों का जो सतत प्रयास था वह समाप्त होने जा रहा है, भगवान अपने सर्वोच्च भगवान सर्वश्रेष्ठ मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। सभी के अंदर लालसा है, सभी के अंदर उत्कंठा है, सभी ललायत हैं भगवान के दिव्य छवि का दर्शन करने के लिए। जिन लोगों को भगवान के दिव्य छवि का दर्शन करेंगे वह मानिए अपने नेत्रों को सफल करेंगे। क्या कहेंगे, महाराज जी ने कहा कि दिव्य आयोजन का इंतजार है, और लगातार जो भी दर्शन कर ले उसका भाग्य नहीं सौभाग्य होगा, उसका जीवन कृतार्थ है। जीवन कृतार्थ है। आवध पुरी प्रभु आवध जानी भई सकल शोभा के खानी। जब भगवान रामा आ रहे थे लंका विजय प्राप्त करके, तो ये अयोध्या शोभा का खान हो गया था। और बहाय सुहावन त्रिविद समीरा भय सरजूवत निर्मल नीरा। सरजू जी का ना निर्मल हो गया था, बिल्कुल स्वच्छ हो गया था, सुंदर हो गया था। अयोध्या में देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे थे। तो आज हम लोग बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि भगवान राम इतना बड़ी तपस्या, 500 वर्षों का तपस्या था, जो टेंट जो है चूता था, जो है भगवान का पोशाक बदलने में भी दिक्कत प्रॉब्लम लोग करते थे, और आज वही भगवान हमारे जो है भवन में रहेंगे, तो हमको और प्रसन्नता क्या चाहिए। महाराज जी क्या कहेंगे, कहते थे कि रामलला टाट में, नेताजी ठाट में, और ये भी नारे लगे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये भी नारे लगे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन क्या युग बदल गया? बिल्कुल बदल गया। हमारे राम जी पहले टाट में रहा करेंगे, अब राम जी हमारे ठाट में रहेंगे, और जो राम जी को टाट में के थे वो जो है ठाट में हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि राम हमारे जो है कोट कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, अनादि है अनंत है, भगवान राम का कोई वो नहीं है, और हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। वो 22 जनवरी को क्षण जनवरी की आपने तारीख जो है वो आपने भी कहा, और 22 जनवरी का इंतजार भी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में 22 जनवरी को लेकर, निमंत्रण पत्र को लेकर अलग अलग बयानबाजी है। अखिलेश यादव जी को निमंत्रण दिया गया, हालांकि अखिलेश जी कह रहे थे कि निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, राम के लिए कोई मुझे बुलाए या कोई मुझे निमंत्रण दे उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन अब अखिलेश यादव जी को निमंत्रण दे दिया है। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी कौन है, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे कोई संबंध नहीं है, उनका निमंत्रण मैं क्यों मानूं। अखिलेश यादव से बोलिए आप कि उनको निमंत्रण मिल गया है तो चले आए, भगवान का पूजन अर्चन कर ले, उनका पाप मिट जाएगा। यदि मिल गया तो उनका पाप मिट जाएगा, नहीं इनका पाप मिटने वाला है नहीं है, अखिलेश यादव का कभी मिटेगा नहीं। उनको निमंत्रण मिल गया है, भगवान की कोई पूजा अनुष्ठान उन्होंने किया होगा कि उनको निमंत्रण मिल गया राम जी के कृपा से, वरना ये वो निमंत्रण के पात्र नहीं थे, क्योंकि उनके बाप मुलायम सिंह यादव यहाँ
क्या बहराए थे जो है अयोध्या में, राम के लिए क्या किया, उनसे बोलिए कि अगर करना चाहे तो 22 जनवरी को निमंत्रण भी मान लो स्वीकार नहीं करते हैं तो कृष्ण जन्मभूमि पर जाएं, वहां पर संकल्प ले जल लेकर के कि मैं जो है अगर अयोध्या इसको अयोध्या को भाजपा ने हाईग्रेजेट कर लिया है तो राम वहां कृष्ण जन्मभूमि जाकर संकल्प में कि इसको मैं बनवाऊंगा कृष्ण जन्मभूमि, उनसे बोलिए कि बनवाएंगे। भाजपा सब प्रेजेंट कर रही है, भाजपा को लाभ मिल रहा है 2024 का चुनाव में, मोदी जी की कुर्सी लटकी पड़ी है, इसलिए एक शब्द में जो काम करेगा उसको श्रेय मिलेगा, हम मेहनत करेंगे तो फल मुझे मिलेगा, वो मेहनत करते उनका श्रेय होता, उनका हम लोग गुणगान करते, भाई जो काम करेगा उसी के लिए तो कहा जाएगा कि आप अच्छे हैं। उनके सपने में आते हैं ना कृष्ण भगवान, सपने में आते हो जाकर बनवा दे कृष्ण जन्मभूमि, संकल्प ले लें भगवान कृष्ण से, सपने में संकल्प ले लें जाकर के। कौन सा मोदी जी ने बनवा दी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी जी हाईजैक कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल पूरा सनातन धर्म एक जो है सरकार के साथ है, पूरा जो है हिंदू भाइयों से आप बात कीजिए, लोगों से पूछिए कि बिल्कुल सरकार, इसी सरकार ने तो ये मुद्दा राम जन्मभूमि का उठाया, और किसी सरकार ने उठाया है मुद्दा राम जन्मभूमि का, कोई उठाया था कभी कोई सरकार ने, केवल भाजपा सरकार ने राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया है, हम ना उस पार्टी से है ना इस पार्टी से है, एक हमारा दायित्व है कि जो राम के लिए लड़ेगा हम उसके साथ है, उसके साथ है। महाराज जी क्या कहेंगे? बिल्कुल राइट बोल रहे थे मेरे महाराज जी, मेरे आराध्य श्री राम है, मैं 6 महीने पहले आया था अयोध्या तो टूटी फूटी पड़ी हुई थी, अब जब मैं आया 6 महीने के बाद, मैं खगड़िया बिहार से बिलोंग करता हूँ, ब्राह्मण हूँ आया तो अभी बिहार वाले भी कह रहे हैं तेजस्वी भैया महाराज जी लूंगा, स्वर्ग स्वर्ग के तरह खिल गई है अयोध्या नगरी, अब लग रहा है जो वाकई में श्री राम मेरे आए हैं अयोध्या में, अयोध्या में श्री राम आए हैं। लेकिन तेजस्वी भैया कह रहे हैं कि राम जी का मंदिर बना के कौन सा रोजगार मिलेगा, राम जी का मंदिर बना के कौन सा पेट में भोजन मिलेगा, उनसे बोलिए कि वही बिहार है, एक मिनट, वो बिहार में कौन सा रोजगार दे सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले चाय बेच रहे हैं, ठेले चला रहे हैं, बैटिक रिक्शे चला रहे हैं, कौन सा वो रोजगार दिए हैं आज तक, नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, आज तक कोई रोजगार नहीं दिए हैं। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आज भटक रहा हूं दिल्ली पंजाब हरियाणा यूपी बिहार, आज तक कोई ना प्राइवेट जॉब मिलती है ना कुछ मिल रही है, ये कौन सी सरकार है जब ये युवा पीढ़ी को खराब कर रही है, न्यू जनरेशन खराब कर दी है, शराबबंदी करके लोग को गलत गलत नशे में धकेल दिए हैं, आज लोग गाजे पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं, कोई स्माइक पी रहे हैं, गलत गलत नशे में उतर बिहार में ये लंदन बना दिए, बंदी का ढोंग धर रहे हैं, पहले लोग ठेके पे जाती थी लेने के लिए, अब होम डिलीवरी घर पे मिल रही है, होम डिलीवरी कहेंगे क्या, कैसे देखते हैं महाराज जी कह रहे हैं कि राम मंदिर में, राम मंदिर बनाने से कौन सा, अयोध्या में ही नहीं पूरे विश्व में राम राज्य का जो है स्थापना हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और तेजस्वी यादव से बोलिए कि वही बिहार में भात खाकर आराम से सो जाए, उनको अब उनको ये बताओ उनको डिप्टी सीएम कौन बना दिए बताइए, वो डिप्टी सीएम बनने लायक है इस तरह बात कर रहे हैं, अब बताइए जहाँ राम जी का मंदिर वहाँ हॉस्पिटल बनाने को कह रहे हैं, इनसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है बताइए, फेल है हॉस्पिटल बनने के, वो नौवीं फेल व्यक्ति वो क्या बात कर सकता है, यही आप जानते हुए गए कि यूट्यूबर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए के तहत जब बिहार के चीज़ों को दिखाया कि बिहार के लोगों को जिस प्रकार से बाहर प्रताड़ित किया जाता है, उस चीज़ को दिखाने के बाद उसके ऊपर एनएसए धारा लगाया जाता है, पत्रकार के ऊपर लगा करके उसे बंद कराया जाता है, 9 महीना व्यक्ति जेल काटता रहता है, त्रस्ता रहता है, और ऐसे व्यक्ति जो देखिए राम कोई भी मंदिर अगर बनना प्रारंभ होता है तभी से रोजगार शुरू हो जाती है, उसको ये साहित्य के नहीं बारे में, साहित्य के बारे में जो है, साहित्य के बारे में उनके पता नहीं है, अस्मिता के बारे में पता नहीं है, इतिहास के बारे में पता नहीं है, फ्यूचर के बारे में पता नहीं, वो व्यक्ति क्या बता सकता है जो नौवीं फेल है, जिसकी माँ अंगूठा टेक हो, और जो दो दो चम्मच, मानिए बाप भी मुख्यमंत्री और माँ भी मुख्यमंत्री, अपने डिप्टी सीएम, और उसके बाद जो है मलाई खाने वाला व्यक्ति बिहार की क्या चिंता करेगा, लोगों की क्या चिंता करेगा, चारा घोटाला में सजावा 5 साल के जो है उसके कारावास है, उससे वो अभी मुक्ति नहीं पा चुके हैं, इस प्रकार के व्यक्ति जो खोखला करने वाला है, ये जो ठगबंधन जो है, इस प्रकार से मानसिकता दूषित व्यक्ति जो कह रहा रोजी रोजगार नहीं मिलता, देखिए आज हजारों लोगों का यहाँ पे रोजगार है रामपैरी में, पूर्ववर्ती सरकारों में उपेक्षित अयोध्या रहती थी, आज अयोध्या में, यानी अयोध्या में रोजगार भी है और अयोध्या में भक्ति भी है, भक्ति भी है रोजगार, आप क्या कहेंगे, अयोध्या में भक्ति है रोजगार है, और अयोध्या से उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो टिप्पणी कर, धाम धामाधिपति अवतारन पति राम, सकल सिद्ध पति जानकी दासन पति हनुमान, अयोध्या धाम सप्त पंचपुरियो सप्तपुरियो में सर्वश्रेष्ठ धाम है, और यहाँ बड़े बड़े राजा हुए हैं, चक्रवर्ती राजा दशरथ जी,
जिसकी यश कीर्ति चारों तरफ फैली रहे, उसी प्रकार से आज योगी मोदी जी आए हैं, उनकी भी यश कीर्ति चारों तरफ से फैल रही है। और पुनः जैसे अयोध्या को आनंदमय किए हैं, उसी प्रकार से पुनः 2024 में बहुमत से कमल का फूल खिलेगा। भाई साहब क्या कहेंगे, महाराज जी ने तो आगाज कर दिया है, लेकिन बयानबाजी नहीं रुक रही है। अखिलेश भैया भी बयान दे रहे हैं कि कौन निमंत्रण दे गया, हमारा कोई संबंध ही नहीं। निमंत्रण गया हुआ है उनको, निमंत्रण गया हुआ, क्या वो आ सकते हैं? नहीं आएंगे, क्योंकि वो टोपी पहनने वाले हैं, और जब टोपी लगाने वाले आदमी को अगर आप अयोध्या में बुलाएंगे, वो नहीं आए, क्योंकि वो सत्ता यहाँ अयोध्या में आने के बाद भी वो कभी भी मंदिर में नहीं गए हैं। और हमारे मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि मोदी जी आते तो अयोध्या में नहीं जाते दर्शन करने, वो हनुमान मंदिर जाते हैं, अयोध्या में राम मंदिर में जाते हैं, और वो बोलते हैं कि नहीं जाते, वो खुद आते हैं, अपना काम करते और चले जाते, कभी मंदिर में दर्शन करने में नहीं, क्योंकि अपना वो वोट बैंक बनाने के लिए, उनको टोपी का राजनीति करना, हम लोग को टोपी का राजनीति नहीं करना। चाहे मोदी जी अगर वो कहते हैं मानते हैं वहां पे अभिनव योगी जी आए हैं, अभिनव है 2019 से, उसके पहले वो कहां थे? मोदी 14 से आए ना, बाबा भी 14 से आए ना, चाहे मोदी जी 14 से, उसके पहले उनका सत्ता था तो यहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए था ना, उसके बाद अगर कोई भी धर्म स्थल है उसके बाद ही ना विकास हुआ। आज हम आए हैं बिहार से आए हुए, यहाँ पे जो हो रहा है हम आए हुए खर्चा करके जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम अपने बिहार के आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राम मंदिर में कौन सा रोजगार मिलेगा, कौन सी रोटी मिलेगी। देखिए बिहार का मुख्यमंत्री चाहे उप मुख्यमंत्री बोल रहा है, एक भाई कृष्ण नाम जप रहा है, एक भाई कंस का काम कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि कंस का बुरा हाल हो जाएगा 2025 में, ये आप देख लीजिएगा। एक भाई हरे राम हरे कृष्ण कर रहा है, तो ऐसा ना वही ही कर दे उनका कल्याण। लग रहा है 22 जनवरी में ऐतिहासिक दिन होगा, ये सब देखते रहेंगे। के लिए ऐतिहासिक दिन है, हमारे पूर्वज ने जान दिया है, हम लोग अपने आँख से देख रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हम लोग के लिए मौका है, हम सभी यंग के लिए मौका है, अगले बार जो हम लोग आएंगे और मोदी जी को 400 पार जिताएंगे। 22 जनवरी ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक तारीख, महाराज जी क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? बिल्कुल जो बोले आप कि अखिलेश जी को निमंत्रण नहीं मिला, मिल गया है निमंत्रण। सुनिए क्या अपना बच्ची की शादी करेंगे निमंत्रण दे, कि हम बाप के कागज कर रहे हैं? ये हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में अपने आप आइए, यहाँ राम अवतार है, अपना ये स्थान पे हिंदू हो तो बिना निमंत्रण के पहुंचो, तब हिंदू मानूंगा। निमंत्रण मिल गया है, वो कह रहे हैं धर्म को, हम धर्म का काम नहीं करते हैं, हम अगला पिछड़ा का काम, भगवान के दरबार में निमंत्रण नहीं चाहिए, बस आप निमंत्रण खोजते हैं, मुलायम जी खोजते हैं निमंत्रण है, अगला बोलेगा निमंत्रण, निमंत्रण कहाँ दिया जाता है बताइए? निमंत्रण दिया जाता है कि मेरा पिता का संस्कार है या मेरा बच्चे की शादी है, तब निमंत्रण, नहीं निमंत्रण नहीं दूंगा उसको, क्योंकि भगवान का दरबार है। आप हिंदू हो, आप हिंदू हो कि नहीं, गछो तुम गछो अखिलेश जी, आप हिंदू हो या नहीं? अगर हिंदू हो तो बिना निमंत्रण के आओ, निमंत्रण के आओ, हिंदू हो तुम तो बिना निमंत्रण के राम के दरबार में पहुंचो। अखिलेश भैया, हाँ अखिलेश बोलता हूँ, बिना निमंत्रण के आना पड़ेगा, आना पड़े, हिंदू हो तब, मुस्लिम रहेगा तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, पक्का, हिंदू रहेगा तो आएगा। इसलिए राम जन्मभूमि महाराज आप निमंत्रण खोज रहे हिंदुओं के। चलिए देखिए, ये जनता है और ये श्रद्धालु है और महाराज जी का क्या कहना है, लेकिन 22 जनवरी ऐतिहासिक होने जा रही है और 22 जनवरी को अब की बार रामलला टेंट से उठकर अपने महल में प्रवेश करेंगे। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या नगरी से।